चलो दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं गिट कमांड्स के बारे में, और थोड़ा सा हम लोग आज गिट कमांड्स को ब्रीफ में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, आज का हमारा टॉपिक है गिट्स कमांड। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिट स्पेस इनिट कमांड क्या करता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे गिट इनिट स्पेस हाइफन हाइफन वेयर, ये कमांड क्या करता है सबसे पहले बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों गिट इनिट कमांड क्या करता है। फिर थर्ड हम लोग बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर गिट ऐड कमांड यहाँ पर क्या करता है। फिर फोर्थ नंबर में दोस्तों हम लोग बात करेंगे यहाँ पर गिट कमिट कमांड क्या करता है यहाँ पर। फिर फिफ्थ नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गिट रिमोट ऐड ओरिजन ये क्या करता है। फिर हम लोग सिक्स नंबर दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे गिट पुश ओरिजन मास्टर ये कमांड क्या करता है। फिर सेवन नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गिट क्लोन कमांड क्या करता है यहाँ पर। और एट नंबर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे गिट पुल कमांड क्या करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये आठ कमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये आठ के आठ कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलो तो सबसे पहले समझेंगे गिट स्पेस इनिट हाइफन हाइफन वेयर कमांड क्या करता है। चलिए थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग इसको समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये मेरे पास एक सर्वर है और ये मेरे पास एक सर्वर यूजर है, ठीक है। ये हमारा जो है ये इस मशीन को मैं एज अ गिट सर्वर कॉन्फिगर करने जा रहा हूं, ठीक है। और ये हमारे एज अ गिट क्लाइंट है, आप समझ लीजिए डेवलपर वन और डेवलपर टू, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेवलपर वन और ये हमारा डेवलपर टू है। टू परफेक्ट। चलिए तो मैं सबसे पहले गिट सर्वर बनाने की बात करूं, तो आप सबको पता है कि गिट सर्वर बनाने के लिए आपने एक सर्वर लिया, उस पर ओएस इंस्टॉल किया, और ओएस इंस्टॉल करने के बाद आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, जैसे आपने प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बनाया, ठीक है। अब ये सिंपल टर्म्स में एक फोल्डर है, ठीक है। सिंपल टर्म्स में एक फोल्डर का मतलब ये हुआ कि इस फोल्डर के ऊपर अगर अंदर जाके मैं कोई फाइल रखूं और फाइल पे एडिट करूं, चेंजेस करूं या उस फाइल को डिलीट करूं, तो मुझे वो रिकवरी नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि अगर मैं इसके अंदर कोई फाइल रखूं और फाइल पे कोई भी चेंजेस करता हूं, मॉडिफाइड करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि लास्ट चेंजेस वाला मुझे रिस्टोर करना है या डिलीट करने के बाद मुझे डेटा दोबारा से चाहिए, तो हम लोग इसके ऊपर वर्जनिंग एक्टिवेट कर देते हैं। तो वर्जनिंग एक्टिवेट कब होती है, वो तो आप रेपोजिटरी बनने के बाद वर्जनिंग एक्टिवेट होती है। सबसे पहले होता है कि इससे पहले रेपोजिटरी बनाइए, ठीक है। तो इसे रेपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना होता है, इसे रेपोजिटरी बनाना है। अब टर्म्स आता है कि इसे रेपोजिटरी के दो टाइप हो गए, एक तो हो गया लोकल रेपोजिटरी, एक हो गया भाई रिमोट रेपोजिटरी। तो ये एज अ सर्वर है, तो ऑफिस की बात है कि अगर ये सर्वर है तो हम इसे रिमोट रेपोजिटरी बनाएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स डेवलपर वन और डेवलपर टू पुश किया करेंगे यहां पर अपना कोडिंग फाइल। तो रिमोट रेपोजिटरी बनाने के लिए हमें यहां पर कमांड चलाना पड़ेगा इस फोल्डर के अंदर आके गिट इनिट स्पेस हाइफन हाइफन वेयर। तो अब ये हो गया रिमोट रेपोजिटरी, ठीक है। तो दोस्तों गिट स्पेस इनिट हाइफन हाइफन वेयर कमांड का इस्तेमाल हम करते हैं किसी भी फोल्डर को रेपोजिटरी बनाने के लिए, लेकिन रिमोट रेपोजिटरी अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप गिट स्पेस इनिट हाइफन हाइफन वेयर कमांड का इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों अगर हम गिट सर्वर बना रहे हैं तो ऑफिस की बात है, वहां पर आप रिमोट रेपोजिटरी बनाएंगे तो वहां पर आपको गिट स्पेस इनिट स्पेस हाइफन हाइफन वेयर कमांड चलाना होगा। तो अब ये बन गया रिमोट रेपोजिटरी। अभी इस रेपोजिटरी के ऊपर वर्जनिंग एक्टिवेट नहीं हुआ है, राइट। इतना करने के बाद भी अगर आप यहाँ पर कोई फाइल रखते हैं, उसको चेंजेस करते हैं, उस पर एडिट करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आपको रिकवरी नहीं मिलेगी, मतलब अभी वर्जनिंग मेंटेन नहीं हो रहा। वर्जनिंग मेंटेन होगी थर्ड स्टेप पे आकर, थर्ड स्टेप मतलब गिट एड कमांड पे आने के बाद वर्जनिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को गिट स्पेस इनिट हाइफन हाइफन वेयर अंडरस्टैंड करा दिया। अब अगली कमांड यहाँ पर क्या है, गिट इनिट। अब गिट इनिट किस लिए यूज किया जाता है, तो गिट इनिट हम लोग यूज करते हैं लोकल रेपोजिटरी बनाने के लिए। अब आप लोगों को पता है कि लोकल रेपोजिटरी डेवलपर अपने सिस्टम पर बनाता है, तो ये डेवलपर अपने सिस्टम पर एक फोल्डर बनाया, राइट। उसने फोल्डर बनाया जैसे
कोड नाम का एक फोल्डर बनाया और कोड नाम के फोल्डर के अंदर अब वो अपनी डेवलपमेंट फाइल रखकर वहां पर वो एडिट करता है, चेंजेस करता है, मॉडिफाइड करता है। अब चाहता है कि उसे वहां पर भी उसे वर्जनिंग जैसा फीचर मिलना चाहिए, तो भाई आप पहले रेपोजिटरी बनाइए। तो ये क्या करेगा, ये आप कमांड मारेगा गिट स्पेस इनिट। तो अब ये इसका फोल्डर, ये फोल्डर भी एक रेपोजिटरी बन गया, ठीक है, लेकिन ये लोकल रेपोजिटरी हुआ है। इसी तरीके से डेवलपर टू ने भी यही काम किया, यहां पर भी इसने अपना एक फोल्डर बनाया। और जरूरी नहीं है कि जिस नाम का फोल्डर डेवलपर वन बना रहा है सेम नाम का फोल्डर डेवलपर टू बनाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी कोड वन नाम का इसने फोल्डर बनाया, इस फोल्डर के अंदर आके इसने भी कमांड मारा गिट स्पेस इनिट, इसका भी फोल्डर बन गया रेपोजिटरी और ये हो गया लोकल रेपोजिटरी। क्लियर, अब ये हो गया दोस्तों लोकल रेपोजिटरी, ये हो गया रिमोट रेपोजिटरी, परफेक्ट। अब यहां पर क्या होगा देखिए, अब अगली कमांड, तो हमारी ये वाली कमांड गिट इनिट कमांड भी कवर हो गई। और आप सबको पता है गिट इनिट कमांड यहां पर क्या कर रही है, लोकल रेपोजिटरी बनाने के लिए गिट इनिट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, परफेक्ट। चलो अब बात करते हैं भाई गिट ऐड कमांड क्या करती है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गिट ऐड कमांड से आप किसी भी फाइल पे वर्जनिंग एक्टिवेट कर देते हैं, जस्ट काइंड ऑफ थिंग समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल और डिटेल में समझाता हूं, मान लीजिए डेवलपर टू ने प्रोजेक्ट के कोडिंग की स्टार्टिंग की। अब डेवलपर टू क्या करता है, उसने इस स्लैश कोड नाम के फोल्डर के अंदर आया, उसने एक फाइल बनाई कि डेव नाम की, उसने एक फाइल बनाई डेव प्रोजेक्ट ऐसे बोल दिया उसने, और उसके अंदर आकर उसने कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, राइट। उसने मान लो इसने ऐसे कोडिंग किया, उसने ये कोडिंग किया कोडिंग किया कोडिंग किया कोडिंग किया कोडिंग किया, ऐसे कोडिंग करके सेव करके बाहर आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, डेवलपर उस फाइल के थोड़ी देर बाद इस फाइल के अंदर फिर जाता है, फिर कुछ एडिट वगैरह करता है, ठीक है। ये डेवलपर से गलती से ये फाइल डिलीट हो जाती है, तो दोस्तों ये फाइल अब रिकवर नहीं होगी, क्योंकि अभी तक आपने इस फाइल पे ये नहीं बताया कि वर्जनिंग एक्टिवेट नहीं किया इस फाइल के ऊपर, तो ये फाइल आपको रिकवर नहीं होगी और इसकी कोई वर्जन मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों कि इस फोल्डर के अंदर, इस फोल्डर को आप रेपोजिटरी बना तो दियो, लेकिन इस फोल्डर के अंदर आपने गिट एक्टिवेट तो कर दिया, लेकिन इस फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स क्रिएट हो रही है उस फाइल को गिट अभी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, क्योंकि गिट के ट्रैक में वो फाइल नहीं आ पा रही, गिट के रडार में वो फाइल नहीं है अभी। तो अगर गिट के रडार में वो फाइल नहीं है तो आप डिलीट कर देते हो या मॉडिफिकेशन भी करते हो तो गिट आपको उसकी वर्जनिंग नहीं देता, राइट। तो हम चाहते हैं कि ये फाइल गिट के रडार में आ जाए, गिट उसे ट्रैक करने लग जाए, इस फाइल के ऊपर वर्जनिंग एक्टिवेट हो जाए। तो इस फाइल के ऊपर अगर आप वर्जनिंग एक्टिवेट करना चाहते हो तो फिर आप उस फाइल के ऊपर क्या कमांड चला दो, गिट एड कमांड। क्लियर दोस्तों, तो अगर हम उस फाइल के ऊपर गिट ऐड कमांड चला देते हैं, तो अब गिट ऐड कमांड चलाने से क्या होता है, गिट उस फाइल को अपने रडार में ले लेता है, उसको अपने ट्रैक में ले लेता है, और उसको जब उसने रडार में ले लिया, उससे अपने ट्रैक में ले लिया, तो अगर हम उस फाइल को कितनी बार भी चेंजेस करें, राइट, जो भी हम उस फाइल के ऊपर चेंजेस करते हैं, तो अब यहां पर गिट उसकी मॉनिटरिंग करेगा और इसके हर एक चेंजेस के वर्जन को मेंटेन करेगा। और अगर मान लो कुछ हमसे गलती हो जाती है तो हम गिट को बोल सकते हैं कि भाई पुराने वाले वर्जन को रिस्टोर करके हमें देखो। तो इतना समझ लो गिट ऐड कमांड से आप उस फाइल, जब आप किसी फाइल पे गिट ऐड कमांड चला देते हो तो वो फाइल अब गिट के ट्रैक में आ जाती है, गिट के रडार में आ जाती है, और इसका मतलब अब उस फाइल के ऊपर आप वर्जनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको अगर आप यहाँ पर वर्जनिंग का फीचर आपको चाहिए तो एक स्टेप आपको और फॉलो करना पड़ता है, जो होता है गिट कमिट, ठीक है। अगर आपने गिट कमिट इस्तेमाल नहीं करोगे तो इट मींस आप वर्जनिंग का फीचर एक तरीके से आपको नहीं मिल रहा है कहा जाए। तो गिट कमिट कमांड यहां पर क्या करेगा देखिए दोस्तों, तो मान लीजिए इस फाइल पे मैंने कोई भी चेंजेस किया, कोई भी चेंजेस किया, कोई भी चेंजेस किया, ठीक है, मैंने उसको गिट एड में एड कमांड चलाकर उसको मैंने गिट के ट्रैक में डाल दिया, रडार में डाल दिया। लेकिन अगर मैं चेंजेस करने के बाद कुछ सेव करता हूं, कुछ मॉडिफिकेशन करता हूं, तो मुझे अगर मैं चाहता हूं कि मॉडिफिकेशन के बाद भी कुछ भी मॉडिफिकेशन करूं और मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में कभी कुछ गलती हो तो मैं उस स्टेज तक की फाइलों को रिकवर कर लूं, तो आपको एक काम और करना पड़ता है कि उस फाइल के ऊपर गिट कमिट कमांड यूज करना पड़ता है। और बेसिकली ये गिट कमिट कमांड कुछ नहीं है, ये उस फाइल का एक स्नैपशॉट
क्रिएट कर देता है, बस बात खत्म। क्या करता है, उस फाइल का एक स्नैपशॉट क्रिएट कर देता है। तो मान लो इस फाइल के ऊपर मैंने बहुत देर तक काम किया, अब मुझे लगता है यार मैं इसको सेव किया, अब मैं चाहता हूँ सेव करने के बाद अब मैं उस फाइल पे दोबारा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जब दोबारा काम करने जा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि अगर मैं दोबारा कुछ गलती हो जाए तो मैं लास्ट वाले सेव को अगर रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप सेव करने के बाद जस्ट बाद उस पे कमिट कमांड रन करते हैं। तो आप अगर उस पे कमिट कमांड रन कर देंगे तो उसका एक स्नैपशॉट बन जाएगा, राइट। उसका एक स्नैपशॉट बन गया, फिर आप उस फाइल के ऊपर दोबारा ओपन करके उस पे आप चेंजेस करना स्टार्ट कर दें, और फ्यूचर में कुछ गलती हो जाए तो कोई बात नहीं भाई, लास्ट स्टेज का हमने किस स्नैपशॉट रखा है उसे आप रिस्टोर कर लेंगे। तो इसी तरीके से दोस्तों डेवलपर्स क्या करता है, अपनी डेवलपमेंट फाइल के अंदर जितनी बार भी वो एक्स्ट्रा चेंजेस करता है, जितनी बार भी वो एक्स्ट्रा चेंजेस करने जाता है, चेंजेस करना स्टार्ट करने से पहले उसका कमिट कर लेता है। तो कमिट का मतलब क्या होता है कि उसके एक वर्जन मेंटेन हो रहा है, और इसी को कहा जाता है वर्जन। हर कमिट का एक वर्जन बन रहा है, हर कमिट का जितनी बार आप कमिट मारोगे एक वर्जन बन गया। तो आपको लगता है कि यार मैं इस पे कुछ नया मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूं, तो आप उसे एक बार कमिट करते हैं तो एक वर्जन बन गया। तो उससे फायदा क्या होगा, फ्यूचर में कुछ गलती होगी तो आप लास्ट कमिट को रिस्टोर कर सकते हैं। दोस्तों अब जाकर आपको इस फाइल के ऊपर एक्चुअल में वर्जनिंग मिलेगी परफेक्ट गिट कमिट कमांड से। चलो अब इसी तरीके से जब आप गिट कमिट एक्सिक्यूट करते हो तो आप स्नैपशॉट बनाते टाइम एक मैसेज भी पास कर सकते हो कि भाई ये फर्स्ट टाइम कमिट है, ये सेकंड टाइम कमिट है, ये थर्ड टाइम कमिट है, कुछ भी एक समझने के लिए मैसेज आप दे सकते हो। चलो अब बात करते हैं गिट रिमूव एड ओरिजिन कमांड क्या करता है। तो जैसे कि डेवलपर्स ने मान लीजिए इस पे चेंजेस कर लिया, पूरे दिन इस फाइल पे उसने चेंजेस किया, अब लास्ट कमिट उसके पास है, अब चाहता है कि लास्ट वाला जो कमिट है वो चाहता है कि गिट सर्वर पे सेंड करना चाहता है, क्योंकि गिट सर्वर सेंट्रलाइज है। तो अब यहां पर ये डेवलपर टू क्या करेगा, सबसे पहले एक लिंक बनाएगा गिट सर्वर के साथ। तो गिट सर्वर के साथ लिंक बनाने के लिए वो क्या कमांड चलाएगा, गिट रिमोट एड ओरिजिन। तो ये डेवलपर यहां पर कमांड मारेगा गिट रिमोट एड ओरिजिन और गिट सर्वर का एड्रेस दे देगा। जैसे गिट सर्वर का एड्रेस मान लो ये है 192.168.177.128 और :/ofolder बोले तो रिमोट रेपोजिटरी। तो ये कमांड डेवलपर टू जब चलाएगा, तो जैसे डेवलपर टू ये कमांड एक्सिक्यूट करता है तो अब क्या होगा, ये डेवलपर का सिस्टम इस सर्वर के साथ लिंक हो जाएगा, बोले तो ये सर्वर इसके साथ लिंक हो जाएगा। तो अब इसके साथ जब लिंक हो गया किस कमांड से, गिट रिमोट एड कमांड से, तो अब यहां पर डेवलपर क्या करेगा बेसिकली गिट रिमोट एड ओरिजिन कमांड क्या कर रहा है, डेवलपर अपने सिस्टम को गिट सर्वर के साथ लिंक करने के लिए यूज करता है। तो क्लियर दोस्तों, तो ये कमांड भी हमारी क्लियर हो गई, गिट रिमोट ओरिजिन क्या करता है, इस कमांड का हम बार बार यूज करेंगे जब हम गिट की लैब क्या करेंगे, परफेक्ट। चलो अब अगली कमांड क्या है, गिट पुश ओरिजिन। अब डेवलपर चाहता है कि अपना लास्ट कमिट वाली फाइल को सर्वर पे डालना चाहता है, तो फिर यहां पर कमांड क्या चलाएगा, इसका कलर ब्लैक कर लेते हैं, गिट पुश ओरिजिन मास्टर। तो इस कमांड से क्या होगा, ये वाली फाइल क्या होगी, गिट सर्वर पे इस फोल्डर पे आके यहां पर स्टोर हो जाएगी, परफेक्ट। चलो अब क्या हुआ, तो हमारी ये गिट पुश ओरिजिन कमांड भी क्लियर हो गई, ये क्या कर रही थी। चलो अब आगे बात करते हैं गिट क्लोन कमांड क्या करती है। तो अब क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग डेवलपर टू ने किया, और डेवलपर टू 3 दिन से उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, और एवरीडे वो लास्ट कमिट को सर्वर पे पुश कर देता, परफेक्ट। अब 3 दिन के बाद कंपनी ने एक नया डेवलपर हायर किया, डेवलपर वन। अब डेवलपर वन को बोला कि भाई तुझे भी उसी प्रोजेक्ट में काम करना है जिस प्रोजेक्ट में डेवलपर टू काम कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर डेवलपर वन अपने सिस्टम पे आता है और उसने क्या किया, एक और फाइल बनाई और शुरू से कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो एक तरीके से देखा जाए तो टाइम वेस्टिंग है। भाई डेवलपर टू ने 3 दिन तक उस फाइल पे कोडिंग करा है ना, तो आप शुरू से कोडिंग क्यों कर रहे हो, डेवलपर टू जहां तक कर लिया है उसी के आगे स्टार्ट कर दो। तो अब डेवलपर वन बोलेगा यार मुझे तो नहीं पता डेवलपर टू ने क्या किया, डेवलपर टू से मुझे मिला ही है। तो यहां पर कंपनी क्या बोलेगी कि डेवलपर टू ने जो भी काम किया है ना उसका अप टू डेट फाइल गिट सर्वर पे रखा हुआ है, आप क्या एक काम करिए, गिट सर्वर पे जो रिमोट रेपोजिटरी है उसको एक क्लोन बना के आप अपने सिस्टम पे रख लीजिए, तो आपको अप टू डेट चेंजेस का मिल जाएगा। तो यहाँ पर
डेवलपर्स वन फिर क्या करेगा, डेवलपर्स वन यहाँ पर अपने सिस्टम पे जाकर सबसे पहले तो फोल्डर बनाएगा और गिट इनिट चलाएगा, और देन उसके बाद वो कमांड मारेगा गिट क्लोन और गिट सर्वर का एड्रेस दे देगा। ये प्रोजेक्ट, तो अब क्या होगा, गिट डेवलपर वन के सिस्टम में ये पूरा प्रोजेक्ट रिमोट रेपोजिटरी उसके सिस्टम पे यहां पर आ जाएगी और फिर उसके अंदर उसे अप टू डेट वाली कोडिंग फाइल मिल जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इसी तरीके से ये हो गई हमारी गिट क्लोन कमांड। तो इस तरीके से हमने गिट क्लोन को भी अंडरस्टैंड कर लिया, ये हो गई हमारी गिट क्लोन कमांड। परफेक्ट। चलो अब लास्ट कमांड हम देखते हैं, गिट पुल। अब गिट पुल क्या करता है, तो अब बहुत ध्यान से सुनिएगा गिट पुल को। तो दोस्तों अब क्या हुआ, देखिए डेवलपर वन को भी लेटेस्ट फाइल मिल गया। अब क्या हुआ, इसका मतलब डेवलपर वन का भी सिस्टम जो है इस रेपोजिटरी के साथ लिंक हो चुका है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो डेवलपर टू का सिस्टम भी लिंक हो गया, डेवलपर वन का सिस्टम भी गिट सर्वर के साथ लिंक हो चुका है। अब क्या होगा, अब मान लो डेवलपर टू एक दिन ऑफिस नहीं आया, मतलब जिस दिन डेवलपर टू ऑफिस नहीं आया उस दिन सिर्फ डेवलपर वन उस पर काम कर रहा था और काम करने के बाद वो भी पुश कर देता है। अगर डेवलपर वन ने गिट क्लोन बना लिया तो उसे फिर गिट रिमोट एड से उसे लिंक करने की जरूरत नहीं है, वो क्लोन से ही लिंक हो जाता है। ठीक है, तो अब डेवलपर टू उस पर काम कर रहा और काम करके शाम को उसने पुश कर दिया। अब तीसरे दिन डेवलपर टू ऑफिस आया, अब उसे नहीं पता कि उस कोडिंग फाइल के ऊपर एक्स्ट्रा क्या चेंजेस हुई है, डेवलपर टू को तो नहीं पता ना। तो अब डेवलपर टू यहां पर क्लोन नहीं करेगा, राइट, क्योंकि क्लोन करेगा तो पूरा फोल्डर आएगा। तो डेवलपर टू अब क्या करेगा, पुल कर लेगा। क्या करेगा दोस्तों, पुल कर लेगा। तो जब डेवलपर टू पुल करेगा तो उसे अप टू डेट बोले तो जो भी चेंजेस उस फाइल पे चेंजेस हुआ होगा वो लेटेस्ट फाइल से मिल जाएगी। तो इस तरीके से डेवलपर टू उसके ऊपर पुल करके लेटेस्ट गिट सर्वर से लेटेस्ट डेटा को उस फाइल के ऊपर लेटेस्ट जो भी कंटेंट था वो अपने पास ले लेगा और काम करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरीके से दोस्तों जब भी कंपनी के अंदर कोई नया डेवलपर आता है तो वो क्या करता है, पहले क्लोन कर लेगा और क्लोन करने के बाद फर्दर उसके बाद जब भी वो काम करना स्टार्ट करेगा तो काम करने स्टार्ट करने से पहले वो गिट सर्वर से पुल कर लेगा अप टू डेट वाली कोडिंग फाइल और फिर उसके ऊपर वो काम करना स्टार्ट करेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये बेसिक कमांड है जो हम प्रैक्टिकल के फॉर्मेट में अभी बात करेंगे। तो अगर किसी को दिक्कत आई होगी इस थ्योरी को समझने में तो आई थिंक जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो चीज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग इसका। तो ये मेरे पास देखिए गिट सर्वर है, ये मेरे पास एक गिट सर्वर है और ये मेरे पास एक गिट क्लाइंट है, गिट क्लाइंट वन देख सकते हैं, और इसी तरीके से मेरे पास ये गिट क्लाइंट टू है। चलो तो इसको हम लोग समझने के लिए इसको हम लोग कर लेते हैं डेवलपर टू, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, होस्ट नेम सीटीएल सेट होस्ट नेम डेवलपर टू। परफेक्ट। चलो और इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं डेवलपर वन। चलो डेवलपर वन डेवलपर टू, ठीक है, जैसे हमने थ्योरी में किया सेम प्रैक्टिकल में भी करेंगे। और इसी तरीके से मैं इधर भी नाम चेंज कर लेता हूं, हमें दिक्कत नहीं होगी। डेवलपर टू और ये डेवलपर वन, परफेक्ट। चलो नाम भी चेंज हो गया और ये हमारा गिट सर्वर है। तो गिट सर्वर पे जाते हैं, एक रेपोजिटरी बनाते हैं mkdir/project और हमने यहाँ पे कमांड मारा गिट इनिट -- बेयर, ये बन गया, सॉरी गिट का पैकेज नहीं है तो गिट का पैकेज इंस्टॉल कर लेते हैं, या हम इंस्टॉल गिट
तो अब हम लोग कमांड मारते हैं git init hyphen fn where। अब चलते हैं git developer 2, और developer 2 ने क्या किया, अपने एक फोल्डर उसने बनाया। डायग्राम में क्या है, किस नाम का फोल्डर है, कोड 1। चलो तो डेवलपर 2 ने क्या किया, कोड 1 नाम का फोल्डर बनाया और कोड 1 के अंदर गया, और कोड 1 के अंदर जाके उसने क्या कमांड चलाया, git init, ये लो ठीक है। उसके बाद उसने एक फाइल बनाई डेवलपमेंट के लिए, क्या नाम है फाइल का, नाम dev project, जैसा थ्योरी में सेम यूज करते हैं हम, dev project। अब इसके अंदर गया और इसने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, वेलकम टू इंडिया, उसने फाइल को सेव करके बाहर आया। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ पर git add कमांड चला के उससे क्या करेगा, इस git के ट्रैक में डालेगा, रेडैग में, ठीक है। अब इसे क्या करेगा, इतना करने के बाद ये क्या करेगा, git commit, अब स्नैपशॉट बनाने जा रहा है इसका, hyphen m for message दे सकता है, तो इसने मैसेज लिख दिया फर्स्ट, ठीक है, और बता दिया भाई फाइल का नाम, ये लो। तो अब देखो यहां पर क्या बोल रहा है, अब कह रहा है कि भाई प्लीज टेल मी हु आर यू, तो ये अपनी इंफॉर्मेशन दे देगा थोड़ा सा, और अपनी इंफॉर्मेशन पास कर देगा। देखिए बता भी रही है, कमांड चलाइए git config -- global user dot email developer 2 at the rate, ये लो। उसके बाद यूजर नेम बता दिया उसने, सॉरी। चलो अब यहां पर ये कमिट करता है, तो कमिट कर दिया। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है, गिट सर्वर के साथ लिंक बनाएगा, किस कमांड से, गिट रिमोट एड ओरिजन, और गिट सर्वर का एड्रेस ये है मेरा 192.168.177.128 और रिमोट रेपोजिटरी, ये लो। अब उसके बाद ये क्या करेगा, गिट पुश ओरिजन मास्टर, पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं, तो आई थिंक की का चक्कर है, तो मैं काम करता हूं SSH-keygen। हालांकि ये चीज मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बता रखा है, तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं ये। चल तो अब यहां पर git push origin करता है, एक सेकंड चेक करता हूं। तो दोस्तों ये जो हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, वो मिस्टेक ये था, राइट, और मिस्टेक ये था कि यहां पर जब मैं इस git client को git server के साथ लिंक कर रहा था, तो यहां पर देखिए यूजर नेम मैंने SSH यूज किया, राइट, बट गिट सर्वर पे ऐसा कुछ SSH नाम का यूजर से हमें तो नहीं करना ना, रूट था, तो ये गलती हो गई हमसे, तो इसे हम ठीक कर लेते हैं। तो इसे ठीक करने के लिए हमने क्या किया है यहाँ पर, और इसे मैंने बोल दिया रूट, ठीक है, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो एक काम करते हैं हम जल्दी से इस फोल्डर को दोबारा से क्रिएट कर लेते हैं, डिलीट किया और दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, कोड 1, और यहाँ गए और उसके बाद हमने फिर से इस पे किया git init, क्योंकि वो तो डिलीट हो गया था। परफेक्ट, उसके बाद हमने फिर से फाइल बनाई और dev project नाम की, और यहाँ जाके हमने लिखा वेलकम टू इंडिया, परफेक्ट, फाइल को सेव करके बाहर आए, इसको हमने git add, उसके बाद हमने इसको git commit,
-m मैसेज दे दिया फर्स्ट कमिट फाइल ये, उसके बाद हमने गिट एड सॉरी गिट रिमोट एड ओरिजिन, और पहले हमने ये मिस्टेक किया था SSH लिखा था, यूजर नेम आएगा रूट, ठीक है। हालांकि इंडस्ट्री के अंदर नॉर्मल यूजर अलग अलग बनाकर दिया जाता है, जो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। अभी गिट सर्वर पे जो ऑथेंटिकेशन बन रहा है गिट क्लाइंट का रूट से बन रहा है, बट कंपनी में रूट से नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। ये चीज हम आगे करेंगे नॉर्मल यूजर से कैसे करते हैं। उसके बाद मैंने 192.168.177.128 और दे दिया पाथ परफेक्ट। अब मैं अगर यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मास्टर करूं तो देखिए पुश हो गया परफेक्ट। चलिए अब डेवलपर वन आया, जैसे सिनेरियो में आ जाइए डेवलपर वन आया 3 दिन के बाद। अब डेवलपर वन अपने सिस्टम पे गया और डेवलपर वन ने क्या किया, यहाँ पर यम इंस्टॉल गिट, राइट, गिट इंस्टॉल हुआ पहले उसके सिस्टम पे, चलो। अब डेवलपर वन ने क्या किया, MKDIR, इसने एक फोल्डर बनाया कोड नाम का, और ये भी अपने कोड नाम के फोल्डर पे गया और इसने क्या किया गिट इनिट, लेकिन ये भी उसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहता है तो वो वाली फाइल, बोले तो कौन सी फाइल, डेव प्रोजेक्ट, ये सर्वर पे रखी हुई है, तो ये गिट डेवलपर वन क्या करेगा, क्लोन कर लेगा उस रिमोट रेपोजिटरी को। तो कैसे क्लोन करेगा, गिट क्लोन और एड्रेस रूट एट द रेट परफेक्ट एड्रेस दिया जाएगा उसे 128 और उसे रेपोजिटरी का नाम भी बताया जाएगा, ये लीजिए। तो अब क्लोन करेगा तो देखिए क्लोन कर लिया, तो देखिए वो रेपोजिटरी यहाँ पे आ गई, देख सकते हैं ये देखिए। अब डेवलपर वन भी इसके ऊपर काम करेगा, इस पे उन्होंने कुछ चेंजेस कर लिया, लो वेलकम टू AWS, उसने भी कुछ कोडिंग कर ली कि ऐसे यहाँ पर वेलकम टू एजोर क्लाउड परफेक्ट। अब डेवलपर वन क्या करेगा, इसको भी कमिट करेगा और कमिट हाइफन है उसने मैसेज दे दिया जैसे सेकंड परफेक्ट और ये लो। अब इसे क्या करेगा, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, देखो पुश हो गया, इसे लिंक करने अपने सर्वर को लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट ये पुश कर रहा है क्योंकि क्लोन बनाया तो लिंक हो गया। अब डेवलपर टू आया, डेवलपर टू बोलता है यार मेरे पास तो अभी जो मैंने किया था वही है इस फाइल पे, तो डेवलपर वन ने कुछ चेंज करके सर्वर पे रख दिया। तो अब डेवलपर टू काम करने से पहले क्या करेगा, यहां पर गिट पुल कर लेगा ये लो। तो देखिए कह रहा है चेंजेस था और अब देखिए इसको अप टू डेट वाला इसे यहां पर मिल गया, देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये दोबारा पुल करता है तो क्या बोलेगा, एवरीथिंग इज अपडेटेड, मतलब तुम्हारे पास जो है वही मास्टर पे है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये सारी कमांड है, गेट 8 कमांड हमने कवर कर ली। तो इसी तरीके से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं पर समाप्त और अगले वीडियो में हम गिट की अगली कमांड के बारे में बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अंडरस्टैंड हो रहा है तो क्लाउड नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।